गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 मिनट में बनने वाले बिना चीनी या गुड़ के मोदक की रेसिपी, जो बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। साथ ही इन्हें बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी कुकिंग करने की जरूरत नहीं है। लेंगे 3/4 कप अंजीर, आप अंजीर की जगह खजूर भी ले सकते हैं। 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1/3 कप बादाम, 2 चम्मच खसखस, 1/4 कप काजू और 20-25 पिस्ता। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें ग्राइंड करेंगे और एक बोल में निकाल लेंगे। आप इस मिश्रण से मोदक बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चॉकलेट पसंद करते हैं तो अपनी पसंद के हिसाब से इसमें थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स मिलाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। अब मोदक की आकार बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हाथ से दबाते हुए इसका लड्डू बना लेंगे। इसे हाथ से बहुत अच्छे से दबाते हुए टाइट लड्डू बनाना है और थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। फिर एक हाथ में रखें और दूसरे हाथ की उंगलियों से इसे इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है और मोदक की शेप देनी है। फिर अब मोदक पे जो लाइंस होती हैं वो बनाने के लिए एक फोर्क लेंगे और उसके साइड से मोदक पर हल्के हाथ से दबाएंगे और फिर फोर्क वहां से उठा लेंगे। अब थोड़ी ही दूरी पर दोबारा फोर्क को दबाएंगे और मोदक पे इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। इसी तरह से सारे मोदक बना लेंगे। तो बिना चीनी और गुड़ के बहुत ही बढ़िया मोदक बने हैं। इन्हें आप ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल पर जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई रेसिपीज के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।